इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। हम ललितपुर मुख्यालय के गल्ला मंडी परिसर में हैं। अभी हम गल्ला मंडी चौकी के पास हैं। आप देख सकते हैं कि ये गल्ला मंडी का बृहद स्थान है, जहां पर अनाज की बोरियां और अनाज का ढेर अनेक जगह यहां पर संकलन है, संग्रह है। आज इस गल्ला मंडी में एक विवाद हुआ पल्लेदारों के बीच में और सब्जी मंडी बेचने वाले विक्रेताओं के बीच में। पल्लेदारों का और इस तरह का विवाद होना यहाँ गल्ला मंडी के व्यापारियों के लिए सिरदर्द बना, क्योंकि विगत कई समय से सब्जी मंडी का स्थानांतरण हुआ था तो कोरोना काल के कुछ समाप्ति के उपरांत वहाँ सब्जी मंडी विक्रेताओं ने अपने स्थानांतरण के लिए, देख सकते हैं कि गल्ला मंडी में किस तरह सन्नाटा है। ये पल्लेदारों की जो हड़ताल है, मंडी का कारोबार बंद है, पल्लेदार काम नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की मजदूरी नहीं कर रहे हैं, जिससे आप ट्रैक्टरों पर और अनाज की बोरियाँ आप देख सकते हैं रखी हुई हैं यहाँ पर। आज पल्लेदारों की जो हड़ताल है, जिससे ये माना जा सकता है कि काफ़ी नुकसान व्यापारियों को महसूस हो रहा है। उसका कहना है सब्जी मंडी पिछले मार्च में आ गई थी, करीब करीब एक साल से यहाँ स्थापित हुआ, अस्थायी तौर पर कोरोना के चलते आई थी। अब प्रशासन से लाख कहने के बावजूद प्रशासन यहाँ से मंडी हटा नहीं पा रहा था और इस चक्कर में आए दिन बवाल होती थी और कई बार प्रशासन को मेमोरेंडम भी दिया, कई बार हम लोग मिले और प्रशासन हर दिन के एक दो तीन दिन में ये हल निकाल देंगे, हल नहीं निकल रहा था और ये इस चक्कर में आज उग्र रूप धारण कर लिया और मंडी बंद हो गई है और लेबर अब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हुई। पल्लेदारों का ये कहना है कि सुबह जैसी मंडी सब्जी मंडी हट जाएगी हम स्वतः काम करने लगेंगे। मंडी अगर नहीं हटाई गई तो फिर अगली रणनीति पर विचार करेंगे। का अनुमान लगाना मुश्किल है, नुकसान तो बहुत है क्योंकि बाज़ार में 500 रुपये का मद्दा है, रैक भी लूड हो रही है और रैक पॉइंट पर रैक भी खड़ी है और लूड नहीं होने से हर घंटे डैमरेज लग रहा है और ये अब कल सुबह अगर लेबर काम करेगी तो लाखों में नुकसान होगा और जिनकी गाड़ियाँ नहीं लूट पाई उनके सौदे भी कैंसिल हुए, उनका भी लाखों में नुकसान। कहना है कि हम जब निस्तारण हो जाएगा हम तभी काम करेंगे, इसलिए सारे किसान परेशान हैं और सारे ट्रैक्टर भी यहाँ खड़े हुए हैं। जिस तरह हमारे गल्ला मंडी के अध्यक्ष एसोसिएशन अनोरा ने जो एक समस्या के संदर्भ में विस्तार से बताया कि जो समस्या चल रही थी मंडी के पल्लेदारों की, हड़ताल उनकी जारी है, अभी तक जारी है, प्रशासन के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और प्रशासन के यहाँ के अधिकारियों ने यहाँ पर पल्लेदारों से वार्ता की, गल्ला व्यापारियों से वार्ता की, लेकिन पल्लेदारों का एकमात्र एक ही उद्देश्य के साथ एक राय होकर एकजुट होकर यही कहना है जब तक इस समस्या का निस्तारण धरातल पर नहीं हो जाएगा हम अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे, क्योंकि प्रशासन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस निस्तारण का कहना गल्ला व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के समक्ष और पल्लेदारों के समक्ष कह चुके हैं, लेकिन हड़ताल अभी भी जारी है। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ, हम कुछ पल्लेदारों से भी हड़ताल के संबंध में वार्ता करें। सब्जी मंडी के स्थानांतरण को लेकर गल्ला मंडी में जो व्यापक स्तर से पल्लेदारों ने मजदूरों ने हड़ताल की है सुबह से, इस संदर्भ में पल्लेदारों के जो यूनियन के अध्यक्ष हैं हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामगोपाल कुशवाहा। क्या है समस्या? समस्या ये है, मंडी में हम लोग आते हैं तो दोनों रोड जाम कर देते हैं सब्जी मंडी वाले, और आज जो कि एक मजदूर के लिए वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया तो उसको सभी सब्जी मंडी वालों ने मारा है और इसके बाद जो सचिव SDM साहब आए तो उनने उसका निर्णय नहीं कराया है और यहाँ पर आए दिन रोज जाम लगा रहता है। मैंने उनसे SDM साहब से कहा है कि एक रोड खोला जाए, वहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं रोड पे तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, और इसके बाद SDM साहब से हमने कहा तो वो कल लगे हम तुम्हारे इस खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि कल मैं 9 बजे यहाँ पर आके सब्जी मंडी को हटा दूंगा, इसके बाद मंडी खोली जाएगी। ये तो आपकी हड़ताल, फिर बाप हड़ताल करना कहाँ तक जाए? हम लोग उनने जो आश्वासन दिया है उसके लिए तैयार हैं कि कल वे सुबह आएंगे और हम यहाँ पर मंडी खुलवाएंगे। हमारा नेतृत्व है कि कल से मंडी सुचारू रूप से चालू की जाएगी। जैसा कि पल्लेदार एसोसिएशन के हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि प्रशासन यहाँ आया, हमारी समस्याओं को सुना और समस्याओं को सुनने के बाद निस्तारण के पटल पर सभी अधिकारियों ने एकमत होकर यह कहा है कि अगले यानी 4-5 मार्च को सुबह 9 बजे
यहाँ पर जो सब्जी मंडी का संचालन होता है वो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। और तो वहीं पल्लेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष का ये कहना है मजदूरों की तरफ से कि हमारी हड़ताल भी समाप्त हो जाएगी। हड़ताल तो उनकी समाप्त प्रशासन की अनुमति और आश्वासन देने के बाद हो चुकी है, लेकिन हमारे जो मजदूर हैं वो आज भी काम करना नहीं चाहते। उनकी मंशा है कि कल जब निस्तारण धरातल पर आएगा तभी हम मंडी खोलेंगे और अपना काम करेंगे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए गल्ला मंडी से मनोज जैन के साथ रवि चंदी। एक सब्जी व्यवसायी द्वारा गल्ला मंडी में कार्यरत एक पल्लेदार की मारपीट के बाद पल्लेदारों में आक्रोश है। इस आक्रोश की वजह से गल्ला मंडी में आए ट्रैक्टरों का कृषि उत्पाद नीचे नहीं उतारा गया। आप देख सकते हैं किस तरह ट्रैक्टरों की लाइन गल्ला मंडी में लगी हुई है। किसान परेशान हैं, पल्लेदार हड़ताल पर हैं और अधिकारी इस मामले को सुलझाने के लिए गल्ला मंडी परिसर में स्थित कार्यालय में मीटिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे गल्ला मंडी खुलती है या बंद रहती है। भूले गए थे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.